हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक SSIS। हम इस वीडियो में देखेंगे SSIS का पैकेज हम कैसे बनाएंगे जस्ट इन 5 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा आप जानते होंगे, SSIS स्टैंड्स फॉर SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम डेटा को कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डेटा कहीं किसी सर्वर से किसी और सर्वर को भेजना है, डेटा को कई जगह ला के एक जगह कंबाइन करना है, बेसिकली डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम SSIS का यूज़ करते हैं। चल चलिए देखते हैं हम डेमो में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक एडवेंचर वर्क डेटा वेयर हाउस डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है, इसका डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी हमें क्या चाहिए, हमें एक SSIS पैकेज बनाना है जो डेटा इस टेबल से निकाल के और एक फाइल में डाले। ओके, तो हम चलते हैं SSDT में। SSDT में यहाँ पे पहले एक फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आप नीचे आएंगे, आपको सिलेक्ट करना है इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट, इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट एम्प्लॉय डेटा, मैं नाम देता हूं यहाँ पे क्रिएट। एक क्रिएट हो रहा है सॉल्यूशन। तो हमें ये पता चल गया हमारा डेटा कहाँ से आएगा, ये हमारा सोर्स है, और डेटा कहाँ जाना है, मैंने एक फोल्डर यहाँ बनाया है सी ड्राइव में, SIS ट्रेनिंग में एक फोल्डर में, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरी फाइल बने। तो पर्पज क्या है, सोर्स हमारा यहाँ है, डेटा यहाँ इस टेबल से आएगा और यहाँ पे एक फाइल में जाके स्टोर होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अभी वो कनेक्ट कर रहा है, तो वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे पास स्क्रीन ओपन है, यहाँ पे जो स्क्रीन दिखा रही है कि राइट साइड में आएंगे, ये है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे एक फोल्डर है SIS पैकेज, यहाँ पे जितने पैकेज आप बनाएंगे इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पैकेज एडेड जिसका नाम है पैकेज .dtsx, ये .dtsx एक्सटेंशन है पैकेज का। इस पैकेज को ओपन करते हैं, अभी ऑलरेडी वो पैकेज ओपन है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं स्क्रीन में है क्योंकि ये ब्लैंक पैकेज है, जस्ट एम्प्टी पैकेज है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड देखते हैं, ये टूल बॉक्स है SSIS टूल बॉक्स, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिसका हम यूज करते हैं SSIS पैकेज को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पैकेज मतलब होता क्या है, पैकेज मतलब एक पेज बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम कंपोनेंट, ये सभी कंट्रोल्स को, ये सभी टास्क को डालते हैं हम अपना इंटीग्रेशन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम क्या करना है यहाँ पे। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा हमारा डेटाबेस से आएगा और एक फाइल में जाने हैं। तो इसके लिए हम एक टास्क यूज करते हैं जिसका नाम है डेटा फ्लो टास्क। आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं यहाँ पे फेवरेट्स में है, बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा फ्लो टास्क। हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इस एरिया में, यहाँ मैंने ड्रैग किया है, अभी वो प्रोसेसिंग कर रहा है उसका, वेट करते हैं एक सेकेंड। ओके, आप इसका नाम दे सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं इसका, इसको जस्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ DFT डेटा टू टास्क मूव डेटा टू फाइल, ये नाम दे दिया है जैसा आपकी जरूरत है। अब इसको सेटिंग करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका कंट्रोल फ्लो में, यहाँ देखिए टैब होती है कंट्रोल फ्लो डेटा फ्लो, आप कंट्रोल फ्लो में हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि एक डेटा फ्लो टास्क है, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे आपका कंट्रोल यहाँ पे डेटा फ्लो में आएगा, अभी आप डेटा फ्लो में हैं। तो डेटा फ्लो में हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती है, एक बताना पड़ता है सोर्स डेटा कहाँ से आएगा, एक बताना पड़ता है डेस्टिनेशन डेटा कहाँ जाएगा। तो डेटा सोर्स बताने के लिए हम यहाँ पे
देखिए आप फोल्डर्स हैं यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे टूल्स भी चेंज हो गए। आप बोलेंगे अदर सोर्सेस, आपका सोर्स क्या है? डेटाबेस है, इसलिए हम यूज करेंगे ओएलडीबी सोर्स। आप इसको यहाँ पे ड्रैग करिए, ओएलडीबी सोर्स आ गया। और हमारा डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन हमारा एक फाइल है। जब भी आपका डेटाबेस से डेटा लेना है एसक्यूएल सर्वर से, आप ओएलडीबी सोर्स या ओएलडीबी डेस्टिनेशन यूज करते हैं। जब भी आपका फाइल से डेटा लाना है या फाइल को डेटा भेजना है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप? फ्लैट फाइल सोर्स यूज करेंगे। तो अभी हमने देखा एक क्या लिया मैंने, ओएलडीबी सोर्स लिया है, क्योंकि डेटा मेरा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से आएगा। ओके, अभी हम आते हैं डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में हमारा डेटा कहाँ जाना है? हमारा डेटा फाइल में जाना है, तो हमने यहाँ पे चूज किया है फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन। ठीक है, डेटा कहाँ से? डेटाबेस से आएगा और फ्लैट फाइल में जाएगा। अभी हमने कनेक्ट कर लिया। तो अभी डेटा सोर्स बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कौन से सर्वर से आएगा, कौन से टेबल से आएगा। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर के, पहला प्रॉप बता रहा है कि ओएलडीबी कनेक्शन मैनेजर। सो हमें जैसे हमें एसएसआरएस में देखा होगा आपने, हमने डेटा सोर्स क्रिएट किया, वैसे यहाँ पे हमें कनेक्शन मैनेजर क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ बताना पड़ता है कि सर्वर नेम क्या है, डेटाबेस नेम क्या है, वो सभी डिटेल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कनेक्शन मैनेजर नहीं है, खाली है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहां से नया क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहां पे देखिए, आप नीचे सेक्शन में कनेक्शन मैनेजर टैब है, यहां पे आप राइट क्लिक करके बना सकते हैं। अब जैसे मुझे बनाना है ओएलडीबी कनेक्शन, मैं बोलता हूं न्यू ओएलडीबी कनेक्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पे आ रहा ऑप्शन, मैं करता हूं यहां पे न्यू। न्यू क्लिक करूंगा, वही बॉक्स आएगा जो आपने देखा था पहले ही एसएसआरएस में। यहां पे डालना मुझे सर्वर नेम, तो सर्वर नेम मेरा यहां पे है, कॉपी किया मैंने यहां पे और यहाँ पे पेस्ट किया। अब लेना डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम मैंने वही एडवेंचर वर्क्स ले लिया। टेस्ट कनेक्शन करते हैं। अब देखिए सिंपल वही है जैसे हमने डेटा सोर्स क्रिएट किया, तो वैसा ही है, सर्वर नेम किया, डेटाबेस नेम लिया, टेस्ट किया और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आपका एक कनेक्शन मैनेजर बन गया जो डेटाबेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम डबल क्लिक करते हैं। अभी देखिए ऑटोमेटिक वो कनेक्शन मैनेजर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तब हमने ओके कर दिया। अभी आपको बताना है डेटा आप कैसे एक्सेस करोगे। डेटा आपका टेबल से आएगा या व्यू से आएगा या आप एसक्यूएल कमांड लिखोगे। मैं यहाँ पे कमांड लिखने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा। अब एसक्यूएल क्वेरी चूज किया मैंने, तो उसके लिए मैं एसक्यूएल क्वेरी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर के पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट किया, यहाँ पे कॉलम्स आते, सभी कॉलम्स आ गए, फिर मैं ओके करता हूँ, तो हमारा ओएलडीबी सोर्स कन्फिगर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए आप जब इस पर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ दो एरो है, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू एरो डेटा दिखाती है आप डेटा यहाँ से कहाँ लेके जाने वाले हैं, तो आप ब्लू एरो पे ड्रैग कीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए फ्लैट फाइल कनेक्शन मैन, फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन के ऊपर। अभी अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे डेस्टिनेशन को, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर। अभी ये भी पूछिएगा कनेक्शन मैनेजर बताओ, तो यहाँ पे बना सकते हैं न्यू, या फिर जहाँ पे यहाँ मैंने बताया था यहाँ बना सकते हैं, हम यहीं से बनाते हैं। यहाँ पे हमने किया न्यू। अब फाइल कैसे बनानी है आपको, डेलिमिटेड फाइल है जिसमें डेलिमिटेड मतलब जिसमें कॉमा रहेगा सेपरेटेड, या सी एस वी रहे या टी एस वी रहे, तो मैंने डेलिमिटेड लिया फाइल को। ओके, अभी हमारा कनेक्शन मैनेजर की प्रॉपर्टी ओपन होगी, जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा किस जगह पे फाइल जाएगी, फाइल में क्या डेलिमिटर रहेगा। तो पहले फाइल नेम बताना है यहाँ पे, तो हम ब्राउज करते हैं हमको फाइल कहाँ पे चाहिए और किस नाम से चाहिए। तो जैसा हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये फाइल मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस बात को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर ओपन कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ फाइल नेम देना पड़ेगा, मैंने दे दिया कि एम्प्लॉय डेटा डॉट सी एस वी दे दिया, क्योंकि मुझे सी एस वी फाइल चाहिए, यहाँ पे सी एस वी बोल देता हूँ। एम्प्लॉय डेटा नाम लिखा मैंने फाइल का, कि इस जगह पे इस नाम से फाइल बन जाए। ओपन किया मैंने। अभी यहाँ कुछ प्रॉपर्टी सेट करना हमको, जैसे हमको डेट, हमको फाइल में हेडर्स चेक नहीं चाहिए, हेडिंग चेक नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो हम यहाँ टिक करेंगे कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो। और यहाँ पे डेलिमिटर कैसा रहेगा, कॉमा डेलिमिटर है या टैब है या कुछ और है, हम मैंने यहाँ पे कॉमा ही लिया, कॉमा से डेलिमिटर हमारा डेटा रहेगा। और फिर एडवांस में जाके हम कुछ सेटिंग करनी कर सकते हैं, अभी रखते थे ऐसे ही, आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं ऐसे डेटा आएगा। तो ये हमारा क्या बनाया हमने, फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर बनाया हमने, ओके किया यहाँ पे और वो आगे कनेक्शन मैनेजर है यहाँ पे। अभी जाते हैं मैपिंग में, मैपिंग में हम बताते हैं कि सोर्स से जो कॉलम आ रहे डेस्टिनेशन में कहाँ पे जाएंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक को मैप किया, क्योंकि सोर्स में जो कॉलम है वही कॉलम हमारे डेस्टिनेशन में फाइल में हैं। अब मैं ओके करता हूँ, तो हमारा पैकेज बन गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको रन करने के लिए कैसे रन करेंगे हम, कई तरीके होते हैं।
हम यहाँ पहला राइट क्लिक कर सकते हैं पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं, अब बोलूंगा एग्जीक्यूट पैकेज, पैकेज एग्जीक्यूट होने जा रहा है, देखते हैं। अभी पैकेज कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होनी चाहिए जिसमें वो डेटा सब होना चाहिए। अभी बिल्ड कर रहे हैं, इट्स रनिंग नाउ। अब देखिए यहाँ पे एक टिक मार्क दिखा रहे, मतलब प्रोसेस हो गया। अभी आपको देखना डेटा कितना फ्लो हुआ है, गया कितना गया है, आप यहाँ पे आ सकते हैं डेटा फ्लो टैब में। यहाँ पे आप, मैं इसको नीचे क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ नीचे की विंडो। हाँ, यहाँ पे देखा आपको कोई भी डेटा यहाँ पे मूव नहीं हुआ है, एक भी रिकॉर्ड मूव नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं हम यहाँ पे फाइल में, फाइल बनी कि नहीं। हाँ बनी है। अब इस फाइल को ओपन करते, राइट क्लिक करता हूँ मैं, एडिट रिकॉर्ड, यहाँ पे तो आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि डेटा यहाँ पे काउंट भी दिखाता है। मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा क्या काउंट नहीं दिखा रहा है, बट एनीवे हमारे डेटा हमने देखा है फाइल में डेटा आ गया है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। जहाँ पर हमने क्या किया है, सोर्स हमारा था SQL सर्वर, वहाँ से हमने फाइल में डेटा को मूव किया है। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।